फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं अपना नाइट हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। रात को सोने से पहले मैं बालों में क्या क्या करती हूँ जिससे मेरे बाल और जल्दी जल्दी लंबे हो जाए, घने हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मॉर्निंग हेयर केयर रूटीन में आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर घर पर दो चोटी बनाकर रखती हूँ। फिर रात को सोने से पहले इसे खोल लेती हूँ और अपने बालों को डिटेंगल कर लेती हूँ। डिटेंगल से बाल फ्रिजी नहीं होते हैं। अगर हम बालों को अच्छे से डिटेंगल किए भी नहीं अगर सो जाए तो हमारे बालों में गांठें बन जाएंगी और कॉम्बिंग करने पर बहुत सारे हेयर टूटने लग जाते हैं और हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम और हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज से बचने के लिए आप अपने बालों को डिटेंगल ज़रूर करें सोने से पहले। दो चोटी बनाने की वजह से मेरे बालों में कितने अच्छे कर्ल्स आए हैं आप देख सकते हो, मेरे हेयर कितने वेवी बन गए हैं। तो पहले मैं अपने हाथों से ही अपने हेयर को सुलझा लेती हूँ और उसके बाद मैं दो पार्ट करती हूँ अपने हेयर का और एक ब्रश की हेल्प से मैं कॉम्बिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे से कॉम्बिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, याद रखें कभी भी हेयर को रूट से कॉम्बिंग ना करें क्योंकि इससे हेयर फॉल हो सकता है। तो पहले नीचे से शुरुआत करें, इससे जितना भी जोर होता है वो बालों के एंड्स पे पड़ता है, रूट पर नहीं, तो इससे हमारे हेयर टूटते नहीं हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं स्कैल्प मसाज करती हूँ। 5 से 8 मिनट तक मैं स्कैल्प मसाज करती हूँ। इसमें आप देखोगे मैं अलग अलग तरीके से करती हूँ। पहले तो मैं साइड के हेड पर करती हूँ और फिर मैं पूरे हेड पर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखें कि आपने नेल्स से स्क्रैच नहीं करना है अपने स्कैल्प को। फ्रेंड्स, इससे बाल तो जल्दी जल्दी बढ़ते ही हैं, साथ में नींद बहुत ही अच्छी आती है। इसके साथ ही मैं अपने नेक को इस तरफ बेंड करती हूँ और फिंगर से स्कैल्प पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। इसमें 5 मिनट तक रोज रात को सोने से पहले करती हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऑयल से भी इसे कर सकते हैं, स्ट्रिक को आजमा सकते हैं। इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है और साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है इससे बहुत ही राहत मिलती है इस मसाज को करने पर। इससे बाल बहुत लंबे और घने होते हैं और थिक हो जाते हैं। इस मेथड से हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ी से होने लगता है जिससे हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं स्कैल्प कॉम्बिंग करती हूँ। एक कॉम की हेल्प से मैं अपने स्कैल्प को 5 से 7 मिनट तक कॉम करती हूँ। आप चाहे तो बारीक कॉम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अलग अलग कॉम रखती हूँ स्कैल्प के लिए अलग और नीचे से जो लेंथी हेयर है उनको कॉम करने के लिए मैं अलग रखती हूँ। स्कैल्प कॉम्बिंग करने से फ्रेंड्स हमारे हेड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे हमारे हेयर को उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंच जाता है जिससे बालों की ग्रोथ होती है और बाल मजबूत होते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखें अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ना करें, आप स्किप कर सकते हैं इसको। बट अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं। पूरे हेड पर ऐसे चारों तरफ से आपने स्कैल्प पर कॉम करना है और उसके साथ ही अपने बालों को टैंगल फ्री भी कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा सीरम लेकर अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ। बट ये मैं ओनली 3 नाइट्स में करती हूँ, जैसे हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारे बालों का मॉइस्चर बना रहता है जिससे बाल दो मुँहे नहीं होते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं फिर से अपने बालों को कॉम करती हूँ और अच्छे से कॉम कर लेने के बाद, क्योंकि जब हम सीरम लगाते हैं तो थोड़े से बाल उलझ जाते हैं और सीरम लगाने के बाद अपने बालों को कॉम जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सीरम चारों तरफ हमारे हेयर पर अच्छे से फैल जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि सीरम को कभी भी रूट्स पर नहीं लगाना है, जड़ों पर नहीं लगाना है। अगर आप बालों के जड़ों पर लगाओगे सीरम को तो इससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमेशा सीरम को नीचे लगाएं। नीचे लगाने से देख सकते हो कि कितने शाइनी हेयर हो जाते हैं। और इसके बाद मैं अपने बालों को दो चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि दो चोटी बनाने से
काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, रात को नींद भी अच्छी आती है। जैसे अगर हम बालों को खुला करके छोड़ देते हैं तो उससे हमारे बाल आपस में उलझ जाते हैं और फ्रीजी हो जाते हैं। और मैं लूज़ चोटी ही बना के रखती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट चोटी बनाते हो, जूड़ा बनाते हो, तो इससे भी आपके बाल खींचेंगे और टूटेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं नेल्स रबिंग करती हूँ, जिसे हिंदी में बालायाम भी कहते हैं। इसे मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ, 5 से 7 मिनट तक। इससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारे हेयर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बाल मजबूत हो जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी है या आपके बाल गिरे हुए हैं, तो गिरे हुए बाल को वापस लाने में ये हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे इस हेयर केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके भी बाल हेल्दी, शाइनी, लॉन्गर हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाली हूँ, और नेक्स्ट मैं वीकली हेयर केयर रूटीन लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।